Hi guys, my name is Dr. Nishan Akbar. My profession, I am a dentist. Welcome to my YouTube channel. So, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लीडिंग गम्स के बारे में, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक दूसरे इंसान को होती है, बट कॉमन जरूर है, बट हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इजी रेमेडीज जो आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि ब्लीडिंग गम्स, स्वोलन गम्स क्यों होते हैं, क्यों मसूड़ों से खून निकलता है। सो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है ब्रशिंग। हम ब्रशिंग जो है सही टेक्निक से नहीं कर रहे हैं, या तो हम ब्रशिंग बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं। सेकेंड, प्लाक कैलकुलस की फॉर्मेशन, मतलब प्लाक की फॉर्मेशन हो जाना, कैलकुलस की फॉर्मेशन हो जाना दांतों पर, जो कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, इस फॉर्मेशन के कारण भी मसूड़ों से खून निकल सकता है। तीसरा हो सकता है किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन सी विटामिन के, इसके कारण भी हमारे मसूड़ों से खून निकल सकता है। और कुछ हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी हो सकता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होते हैं, बस ये कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए ही होते हैं। और अभी तो हम सिर्फ डेंटल कॉजेस की बात कर रहे हैं, कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स या ल्यूकीमिया जैसे में भी हमारे ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, बट आज हम सिर्फ डेंटल की बात कर रहे हैं। जल्दी से बात करते हैं इनकी रेमिडीज के बारे में। सो फर्स्ट हम ये कर सकते हैं कि एक कोसा पानी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर, हाफ अ टी स्पून नमक डालकर उसके हम कुल्ले करें, मुंह में भर लीजिए। कम से कम आप ये 3 से 4 मिनट तक मुंह में रखिए, कुल्ले करिए, और दिन में आप 5 से 6 बार इसे कर सकते हैं। दूसरा, हम टर्मरिक पेस्ट बना सकते हैं, यानी कि हल्दी का पेस्ट बनाकर हम दांत मसूड़ों पे, जहां से भी हमें लगता है कि पर्टिकुलरली या तो हमारा ब्लीड हो रहा है या हमारे सारे एरिया में हो रहा है, तो हम वहां पे टर्मरिक पेस्ट लगा सकते हैं। थोड़ी देर लगाने के बाद फिर आप अपना माउथ रिंस कर लीजिए, क्योंकि टर्मरिक जो है हल्दी, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे मसूड़ों को हेल्प करती है। हमारे माउथ वॉशेस, आप अपनी डेली रूटीन में माउथ वॉश को इंक्लूड कर सकते हैं, आफ्टर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग फिर उसके बाद माउथ वॉश कर सकते हैं। माउथ वॉश के अंदर हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे क्लोरहेक्सिडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई डर्ट और बैक्टीरिया को हटाने में हेल्प कर। फोर्थ हम यूज कर सकते हैं हनी। हनी के अंदर एक बहुत अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आप हनी लीजिए, अगर रॉ हनी हो तो ज्यादा अच्छा है। हनी को अपने मसूड़ों पे लगाइए, थोड़ी देर रखने के बाद उसे रिंस ऑफ कर दीजिए। फिफ्थ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी हो जाता है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हम विटामिन सी विटामिन के को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको लगता है आपके दांतों में कैलकुलस या प्लाक की फॉर्मेशन है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाइए। सो ये थी हमारी रेमेडीज। अगर आपको लगता है अबव ऑल जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है इसके बावजूद आपको रिलीफ या आराम नहीं मिला है, तो आप अपने डेंटिस्ट पे विजिट जरूर करिए। एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको सारी रेमेडीज एक साथ नहीं करनी है, आपको एक जो आपको इजी लगती है, जो या तो आपको लगता है या हमें सूट करती है, आप उसको फॉलो करिए। सारी रेमेडीज करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।